IIFL होल्डिंग के संजीव भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। भसीन साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और फिर से एक बार, वैसे नई बात नहीं है लेकिन फिर भी कहना और बताना जरूरी कि सबसे पहले जब मेरे ख्याल से 10,700-10,800 के आसपास निफ्टी था, माहौल बड़ा खराब था, आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा 12,000 पार भी करेंगे, छुएंगे, तो 12,000 पे भी आप रुके नहीं, थके नहीं, लाइफ टाइम हाई बनाएंगे और बनाएंगे। एक बार फिर से कॉन्फिडेंस जरा भर दीजिए सर। आज हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी, तो आपको भी बहुत मुबारक, और जिन दर्शकों ने देखा है और जो फॉलो करते हैं और जिन्होंने ये फियर खरीदा, तो उनको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इन दो महीनों में जो पैसा बना है वो दो साल में नहीं बना। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आप बने रहेंगे तभी इसमें आपको बाजार में कुछ फायदा होगा। अभी हमें लगता है थोड़ा सा 12,000-12,200 में यहाँ पे बाजार थोड़ा सांस लेगा, लेकिन 2020 विल बिलोंग टू मिड कैप। तो जो अभी आपको लग रहा है कि इंडेक्स तो न्यू हाई है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो कुछ नहीं कर रहा, बने रहिए, 2020 विल बी अ बेटर ईयर देन 2017 फॉर मिड कैप्स। इस कारण से सिर्फ हमारी बात सुनने से नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से और बने रहने से, ओनरशिप से ही आप फायदा कमा सकते हैं। तो आई वुड से दैट आपके चैनल के थ्रू हमने काफी अच्छा ये एक मुहिम चालू किया था जहां कॉन्फिडेंस दिया, और इस कारण से वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट नाउ वी हैव रीच्ड ऑल द पिनिकल्स। तो अनिल जी, आई थिंक बने रहने में ही समझदारी है, और 2020 विल बी अ वेरी वेरी गुड ईयर।